आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब हम वेन्यू पे किसी व्यक्ति को यानी कि प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं या डोर टू डोर भी हम जा कर के या वन टू वन जा कर के हम किसी व्यक्ति को अगर प्लान दिखाते हैं तो उसका अक्सर ये सवाल रहता है और मेन सवाल रहता है, मेरा भी कभी था, हो सकता है आपका भी कभी रहा हो और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये पूछे जाने वाला सवाल है, जाने जाने वाला सवाल है कि ये तो सिस्टम फंसाने वाला है या फंसने और फंसाने वाला है। पहले हम फंसे, फिर आपको फंसाए, फिर एक को फंसाए, फिर चार को फंसाए, बिना फंसाए इसमें पैसा मिलता नहीं, तरक्की मिलती नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है और हम आज के इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि इस सवाल का, अगर इस तरह का कोई सवाल है जो हमसे या आपसे पूछा जाता है, तो इसका बेहतर तरीके से हम क्या जो है एग्जाम्पल के साथ से क्या जवाब हम उसे दे सकते हैं ताकि उसे जवाब तार्किक लगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस फंसने और फंसाने के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका जो फलसफा है कैसे हम इसे सही तरीके से बता सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप का बहुत ही शानदार जो है प्लान है जो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट को और लेटेस्ट इनकम प्लान को ऐड किया गया है। आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके जानकारी ले सकते हैं और टीम में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लान दिखाते हैं किसी भी प्रॉस्पेक्ट को, आमतौर पे हम या आप प्लान दिखाने जाते हैं या वेन्यू पे प्लान दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अरे आप तो फंस गए, अब हमको फंसाने चले आए, या ये तो फंसने और फंसाने का काम है, या कई लोग ये कहते हैं कि एक फंसा फिर दूसरे फंसे या तीसरे फंसे, फंसने फंसाने वाली बात या शब्द या तरीके का ये बिजनेस है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे साथी का जो कहना है, अगर कोई नया प्रोस्पेक्ट है तो उसका कहना तो सही है उसके हिसाब से, लेकिन आपने अगर उसका जवाब देना हो तो कैसे देंगे, ये प्रगति सूत्र नाम की जो किताब है वो बहुत ही बेहतर तरीके से बताती है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, मैंने भी पढ़ा और मैंने सोचा मैं अपनी फीलिंग आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, कुछ बात इस तरह से है कि जैसे ही वो व्यक्ति इस बात को बोलता है कि ये तो फंसने और फंसाने का काम है, ये तो जो है आप फंस गए हैं तो मुझे फंसाने चले आए हैं, तो सबसे पहले तो आपके जो शब्द होने चाहिए यानी कि आपके जो मुख से जो सबसे पहला जो शब्द होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा मैं भी सोचता था, ऐसा पहले मैं भी कहता था, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद से मुझे पता चला, जानकारी हुई कि एक्चुअली में ये जो सिस्टम है ये फंसने फंसाने का नहीं है, ये तो एक दूसरे की ज़िंदगी बदलने का है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से यहाँ पे ज़िंदगी बदलती है। और फंसने और अगर फंसाने की बात अगर आप करते हैं तो आप शरीर पे देखें, सबसे पहले अगर बालों की बात करें तो बाल देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बाल क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि दोनों बाल जो है सर से एकदम लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, तो ये घने लग रहे हैं, काले लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सोचिए कि अगर यही बाल अलग अलग हो जाएँ तो कैसा रहेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि फंसने से ही व्यक्ति में विकास होता है और फंसने से ही कोई चीज़ अच्छी लगती है, दूर तक, देर तक बनी रहती है। तो आप बालों से भी सीख सकते हैं, उसके बाद से आप अपने शरीर में दांतों से भी सीख सकते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊपर वाला जो दांत है, नीचे वाला जो दांत है, ये सब मुँह में एक जगह फंसे हुए हैं, स्टोर है, और जिसकी वजह से इनके अंदर जो यूनिटी है, इस वजह से फंसे रहने की वजह से ये किसी भी चने को या किसी भी रोटी को या किसी भी चावल को मुलायम से लेकर के किसी भी कठोर वस्तु को काट सकते हैं और उसका स्वाद जीभ को दे सकते हैं और आपके शरीर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दांतों से भी आप सीख सकते हैं। अगर आप शर्ट पहनते हो मेरी तरह, तो आप शर्ट के बटन से भी सीख सकते हैं कि जो शर्ट के बटन होते हैं, वो बटन जो होता है, जो उसका जो छेद होता है, उससे जो फंसा रहता है, अगर उससे फंसा रहता है तो आपका शर्ट बना रहता है, आपकी शरीर पैक रहती है, सुंदर लगते हैं आप। सोचिए कि अगर बटन टूट जाए, सही ना, जुड़ने की जगह पे, फंसने की जगह पे अगर टूट जाए, तो क्या आप शर्ट पहनना पसंद करेंगे? क्या आप फटी शर्ट पहनना पसंद करेंगे? तो आप शर्ट के भी बटन से सीख सकते हैं कि अगर बटन जुड़ करके हमें सुंदरता दे सकता है और हमें सहूलियत दे सकता है, तो ये बिज़नेस में भी यही फार्मूला काम करता है।
आप जो है अपने शूज़ अगर आप पहनते हों तो शूज़ के जो धागे होते हैं उनसे भी सीख सकते हैं कि आड़े टेढ़े तिरछे जैसे भी वो एक दूसरे से लिपट करके पूरा हुक रहता है, पूरा पैक रहता है, तो जूता आपका टाइट रहता है जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होता है। तो आप उसके धागे से भी सीख सकते हैं कि जो जूते का जो धागा होता है वो भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से फंसा रहता है, इस छेद से उस छेद में, इस छेद से उस छेद में, तो वहाँ पे आपको सहूलियत मिलती है। तो इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हैं। अपने घर में आप अपने सीलिंग फ़ैन से सीख सकते हैं कि अगर आपका सीलिंग फ़ैन है तो जो हुक है अगर उसमें नहीं फंसा रहेगा तो सोचिए कि वो सीलिंग फ़ैन चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो आपको क्या होगा और चलेगा तो आपको क्या होगा। तो वो भी फंसता है, हुक में जा कर के फंसता है तभी आपको फ़ायदा देता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि पूरी जो कायनात जब हमारी शुरू होती है, हमारा जो दिमाग होता है, जो जनन होता है, हमारा जो प्रजनन होता है, हम माँ के गर्भनाल से अगर कोई बच्चा है वो जुड़ा रहता है, माँ के गर्भनाल से बच्चा जब जुड़ा रहता है तभी वह स्वस्थ माना जाता है और सुरक्षित माना जाता है। मान लीजिए कि अगर पैदा होने से ही पहले माँ के गर्भनाल से वो बच्चा अगर टूट जाए, बिछड़ जाए, अलग हो जाए, तो माँ भी दिक्कत में आ सकती है और वो जो शिशु है वो तो दिक्कत में आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी जुड़ाव या फंसने का जो नियम है काम करता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन में आप देखेंगे तो जो बड़ी चीज़ है वो इंजन है और उसके पीछे आप देखेंगे तो बोगी है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ट्रेन की पटरियाँ हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जकड़ी हुई हैं। ट्रेन की बोगियाँ, ट्रेन जो है, इंजन जो है, बोगियों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है और ये जुड़ाव जब तक बना रहता है यात्री सुरक्षित रहते हैं, ट्रेन सुरक्षित रहती है, इंजन सुरक्षित रहता है, बोगियाँ सुरक्षित रहती हैं। आप सोच के देखिए, भगवान न करे अगर ये एक दूसरे से टूट जाए या बिछड़ जाए तो कैसा रहेगा। शादियाँ होती हैं, आप देखते हैं तो पंडित जी फेरे कराने से पहले जो वर होता है और जो वधु होती है उन दोनों का जो गांठ होता है उसको ऐड कराते हैं, जुड़ाते हैं, तो वहाँ पे एक रिश्ता बनता है, एक नाम कायम होता है लीगल तरीके का, सामाजिक तरीके का, वहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है। अगर वो टूट जाए तो कैसा रहेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि जोड़ने के नाम पर आप देखेंगे या फंसने और फंसाने के नाम पे देखेंगे तो आपके जीवन में विकास देते हैं, आपके जीवन में वृद्धि देते हैं और आपको एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं और वह हर चीज़ आप कर सकते हैं जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। आप हर उस मंजिल को तक की दूरी तय करते हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसी भी एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसके इतर मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने मोबाइल में कौन से सिम को यूज़ करते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि जिस भी सिम को आप यूज़ करते हैं क्या आपने उसके मालिक को देखा है। आप जो भी मोबाइल से हमारा जो ये ट्यूटोरियल है देख रहे हैं, क्या इस मोबाइल के ऑनर को यानी कि जो उसके मालिक हैं उसको देख रहे हैं? नहीं। लेकिन वो देखिए, जहाँ पर भी वो इंसान बैठा हुआ है मोबाइल का जो प्रचार है वो आपके दिमाग में कर रहा है, यानी कि आपको फंसा रहा है। कभी टीवी के माध्यम से किसी अभिनेता से ऐड करा के आपको फंसा रहा है, कभी विज्ञापन आप देखें तो अखबार के माध्यम से करा करके आपको फंसा रहा है, कभी किसी दोस्त से कहलवा करके आपको फंसा रहा है, तो कभी ऐसे वैसे न जाने कितने तरीके वो ईजाद कर रहा है, आपसे करवा रहा है और आप फिर देखते देखते, सुनते सुनते, समझते समझते एक दिन डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, मुझे यही सिम चाहिए, नहीं मुझे यही मोबाइल चाहिए, और उस दिन आप फंस जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो आप फंसते नहीं हैं, आपका एक ड्रीम पूरा होता है, आप अपने जीवन को सुगम बनाने में एक जो साधन तलाशते हैं वो आपको हासिल हो जाता है। और आप सबसे जो लास्टली जो मेन बात है कि आप एक सोसाइटी का, एक सही सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, सोसाइटी में भी लोग आपको जानने लगते हैं कि आपके पास मोबाइल है, एक सिम है। उसी तरह से सेफ शॉप में या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग फंसने के बाद से जो अचीवमेंट लेते हैं उससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है, देश विदेश की यात्राएँ करते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिप्स उनको मिलते हैं, अच्छे अच्छे अचीवमेंट मिलते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है। तो ये बहुत से कॉजेज़ हैं, बहुत से ऐसे रीज़न हैं, बहुत से ऐसे रिज़ल्ट हैं जो उन्हें मिलते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या सेफ शॉप करते हैं, और उससे क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो समाज में एक अच्छा प्रभाव करता है।
डालता है। तो इस तरह से आप इनके जवाब को दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल को दे सकते हैं। हाँ, आपको मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बात है अच्छी बात है, अगर बेहतर तरीके से नहीं बताएंगे तो वो व्यक्ति के दिमाग में नहीं घुसती है, और अगर ख़राब बात है तो आप ऐसे समझें अगर उसे सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, बताया जाए, तो उस व्यक्ति को समझ में आ जाती है। तो बताने के तरीके का भी ध्यान थोड़ा सा रखना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले का अधिक सुनना है, अपना बहुत कम बताना है, अपना बहुत कम बताना है लेकिन एग्जाम्पल के साथ ऐसे बताना है कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आप लोग को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेप शॉप, आप उसे जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं सेप शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।